नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आईवी सेट के बारे में। तो ये है मेरे पास आईवी सेट। तो हम आईवी सेट के बारे में जानेंगे, तो इसका क्या यूज है और दूसरा इसके जो पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। अगला जानेंगे कि इसकी जो टाइप्स है उसके बारे में, और लास्ट में जानेंगे आईवी ड्रॉप जो हम बोतल को सेट करते हैं तो उसको किस प्रकार से ड्रॉप को सेट करेंगे, उसका फॉर्मूला जानेंगे। जैसे कि जो 500 ml की बोतल है वो हमें 500 ml की बोतल को 5 घंटे के अंदर देना है, तो कितने ड्रॉप पे हम सेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला जानेंगे और ड्रॉप सेट सेट करना जानेंगे। तो सबसे पहले है ये है हमारा आईवी सेट, तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये रहेगा हमारा आईवी सेट, तो इसमें ये रहेगा इसका स्पाइका का ये केप रहेगा, ये रहेगा चेम्बर और ये रहेगा रेगुलेटर, जिससे हम जो आईवी फ्लूड है उसको स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से चालू कर सकते हैं। ये ट्यूब रहेगी और ये रहेगी हमारी नीडल रहेगी। और इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, तो ये आईवी फ्लूड रहेगा तो इसमें हम ये केप को निकाल के और इसका जो टॉप पॉइंट रहता है बोतल का तो वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं या इस साइड में इसको पुश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो बोतल का जो फ्लूड है वो पूरा यूज हो जाएगा। कभी क्या करते हैं इस जगह पे इसको अटैच कर देते हैं तो जिससे काफ़ी फ्लूड है वो बोतल के अंदर ही बचा रह जाता है। तो हमें इसके टॉप पॉइंट पे इसको क्लिक करके और इसको कनेक्ट करना है। किसी बोतल में यहाँ पर जगह बनी रहती है, खड्डा बना रहता है, तो वहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं इसको। तो इसको टॉप पॉइंट पर अटैच करके और उसके बाद में इसका जो चेम्बर है उसको 2/3 भर लेंगे और इसमें ये फिल्टर लगा रहता है जिससे जो हमारी आईवी फ्लूड है वो फिल्टर होके जाता है। तो इसमें अटैच करने के बाद में इसको रेगुलेटर को चालू करके और कुछ ड्रॉप हम बाहर इसको गिराएंगे, जिससे क्या होगा जो ट्यूब के अंदर की जो एयर है वो निकल जाएगी, एयर इसके अंदर नहीं रहेगी। और उसके बाद में जो पेशेंट है उसकी जो उसको कैनुला लगा है तो उसमें इसको अटैच कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा आईवी सेट और इसके जो पार्ट्स, ये स्पाइका हो गई, ये हो गया इसका चेम्बर और ये रेगुलेटर है, ये ट्यूब है और ये हो गई इसकी नीडल। तो ये जो हमारा आईवी ड्रिप सेट है तो ये दो प्रकार के रहते हैं, ये है मैक्रो ड्रिप सेट और ये है हमारा माइक्रो ड्रिप सेट। तो ये जो मैक्रो ड्रिप सेट रहता है ये हम अडल्ट में यूज करते हैं और इसमें जो ड्रॉप फैक्टर है तो 1 ml में 20 ड्रॉप रहेगा और इसके अंदर 1 ml में 60 ड्रॉप पर ml, तो 1 ml में 60 ड्रॉप बनेगा इसके अंदर अगर इससे हम फ्लूड देंगे तो। अब हम अगला जानेंगे कि जो हम ड्रॉप सेट करते हैं तो वो किस प्रकार से सेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम जानेंगे। अब हम जानेंगे फ्लोरेट के बारे में, फ्लोरेट किस प्रकार से निकालेंगे। तो मान लो हम 200 ml पेशेंट को फ्लूड देना है और ये हमें देना है 2 घंटे के लिए, तो हम कितने ड्रॉप पे इसको सेट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, तो उसमें रहेगा वॉल्यूम पर ml, तो ये हमारा फ्लूड हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्रॉप से, तो मैक्रो ड्रॉप सेट से दे रहे हैं इसको, ये जो हमारा आईवी सेट है ये अडल्ट वाला है। अगर इससे हम दे रहे हैं तो इसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो रहेगा 20 ड्रॉप पर ml, तो ड्रॉप फैक्टर 20 ml आ जाएगा और 200 ml हो गया हमारा फ्लूड, 20 हो गया हमारा ड्रॉप और नीचे आ जाएगा टाइम। तो टाइम हम 2 घंटे के लिए दे रहे हैं तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 33 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। तो इस प्रकार से हम कोई किसी भी जो आईवी फ्लूड है उसको कैलकुलेट करके उसका ड्रॉप फैक्टर निकाल सकते हैं कि हमें कितने ड्रॉप पे आईवी फ्लूड कैलकुलेट करके चलाना है ताकि निश्चित समय में वो समाप्त हो सके। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि यदि हमें पेशेंट को 1200 ml NS देना है, नॉर्मल सलाइन देना है और टाइम रहेगा 6 घंटे और जो ड्रॉप फैक्टर है वो रहेगा हमारा 15 GTT पर ml, तो इसको हम कितने ड्रॉप फैक्टर पे सेट करेंगे कि 1200 ml हमारा जो NS नॉर्मल सलाइन है वो 6 घंटे में ख़त्म हो जाए, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी जो फॉर्मूला है उसी के अनुसार आपको निकाल के उसका ड्रॉप फैक्टर बताना है कि कितने ड्रॉप पे हम आईवी फ्लूइड को सेट करेंगे। धन्यवाद।